सिर्फ एक साड़ी भी याद लेने के लिए जाओगे 8 से 10 हज़ार की साड़ी मिलेगी। अब जब बनती है वही साड़ी, तो वही साड़ी जो है उसकी कॉस्टिंग, टोटल कॉस्टिंग अगर निकाले मैन्युफैक्चर रेट्स में, तो वो आपको जो है 1500-2000 या फिर मैक्सिमम 3000 में वो साड़ी बनती है। और मार्केट में रिटेल स्टोर पे जाएगी तो वही साड़ी 10000 में जो है बिकती है। मैन्युफैक्चरर से खरीदते हो तो जो बीच में 2 या 3 मीडिएटर्स होते हैं वो बिल्कुल भी आपको, मतलब उसको जो है एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा मुनाफा जो है वो अच्छा खासा आप कमा सकते हो। जैसे हमने बताया कि रिटेल स्टोर में आप जाते हो और कपड़े जो है वो ट्रेंडी कपड़े देखोगे आप, जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, वो ट्रेंडी कपड़े 100% महंगे आपको मिलते हैं। उसमें जो प्राइस टैग लिखा हुआ होता है वो 3 से 4 गुना ज्यादा रेट मेंशन उसमें किए हुए होते हैं। फैक्ट्री रेट में कपड़े कैसे खरीदे? बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टोर्स में विजिट करते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स में आप जाओगे, मतलब कि रिटेल काउंटर्स पर जाओगे, तो वहां पर हम जब प्राइस टैग देखते हैं तो प्राइस टैग में रेट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। अब ये क्यों होते हैं उसके बारे में मैं आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी खुद का बुटीक स्टोर या फिर आप खुद का कोई ब्रांड लेवल का काम स्टार्ट करना चाहते हो, कपड़ों के बिजनेस में आना चाहते हो, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन स्टोर भी खुद का सोच रहे हो कि भाई कुछ स्टार्ट करें, तो उसमें भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। प्राइस टैग की बात कर रहे थे, तो प्राइस टैग के बारे में हम अगर बात करें तो रिटेल स्टोर्स में अक्सर देखा गया है कि प्राइस टैग जो होते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस पर्पस से हमारे साथ जुड़ते हो इशिता हाउस में, तो आपको 100% बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाले हैं। कैसे, उसके बारे में हम जो है आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हम हर बार कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स लाते हैं, ऐसी कुछ बात करते हैं कि जिससे आपका बिजनेस में 100% मुनाफा हो। बहुत छोटी सी वीडियो बनाते हैं ताकि आपका, आपको जो है मेन जो है इन्फॉर्मेशन देने का जो काम है वो प्रॉपर तरीके से हम कर सकें। तो हम प्राइस टैग की बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि रिटेल स्टोर में आप जाते हो और कपड़े जो है वो ट्रेंडी कपड़े देखोगे आप, जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, वो ट्रेंडी कपड़े 100% महंगे आपको मिलते हैं। उसमें जो प्राइस टैग लिखा हुआ होता है वो 3 से 4 गुना ज्यादा रेट मेंशन उसमें किए हुए होते हैं। पर अगर आप सही जगह से परचेसिंग करके उसमें जो है इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसमें जो है बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, तो जब कपड़ा बनता है तो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जब डिज़ाइन रेडी होता है, स्टिच होकर के आता है, तो उसका जो चार्जेस होते हैं, उसके जो प्राइस होते हैं, वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। पर फिर भी जब रिटेल स्टोर में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं वही कपड़े। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा 8-10 हज़ार के भी कपड़े मिलते हैं, और कपड़े सिर्फ एक साड़ी भी याद लेने के लिए जाओगे 8 से 10 हज़ार की साड़ी मिलेगी। अब जब बनती है वही साड़ी, तो वही साड़ी जो है उसकी कॉस्टिंग, टोटल कॉस्टिंग अगर निकाले मैन्युफैक्चर रेट्स में, तो वो आपको जो है 1500-2000 या फिर मैक्सिमम 3000 में वो साड़ी बनती है। और मार्केट में रिटेल स्टोर में जाएगी तो वही साड़ी 10000 में जो है बिकती है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? जब जो है आपके पास, अगर मीडिएटर्स की बात करें, कपड़ा जहाँ से बनता है वो मैन्युफैक्चरर होता है, फिर उसके बाद जाता है कोई बड़े होलसेलर के पास, फिर उसके बाद जो है छोटे होलसेलर्स भी बड़े होलसेलर के पास से परचेसिंग करते हैं, तो यहाँ पर 2 लोग हो गए। उसके बाद जाता है रिटेल काउंटर वाले जो है वो होलसेलर के पास परचेस करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर 3 लोग हो गए। और जब टैक्स की बात करें तो आपको पता ही है कि GST वगैरह सब लग कर जब रिटेल वाले के हाथ में आएगा तो वो और भी ज़्यादा महंगा जो है वो बेचने वाला है। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आप जो है खुद का ऑनलाइन स्टोर ओपन करने का सोच रहे हो, या फिर आप जो है खुद का होलसेल का बिजनेस या फिर रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो उसके बारे में जो है ये बेस्ट जगह है। उसके बारे में मैं जो आपको बताती हूँ हर बार कि एक मैन्युफैक्चरर से आप खुद जुड़कर जो है परचेसिंग कर सकते हो। यानी कि अगर आप ये मीडिएटर्स को हटा दोगे तो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है वो मेन प्राइस से कम हो जाएगा। मतलब जो आप 8 से 10 हज़ार की जो साड़ी लाते हो रिटेल स्टोर में, वही साड़ी आपको जो है डायरेक्ट फैक्ट्री रेट में मिल जाती है, यानी कि 2 से 3 हज़ार में, मैक्सिमम रेट बता रही हूँ, 2 से 3 हज़ार में जो है आपको मैन्युफैक्चरर के पास मिलती है वही साड़ी 8 से 10 हज़ार में रिटेल स्टोर में सेल होती है, क्योंकि मीडिएटर्स होते हैं। अगर मीडिएटर्स को हटा देते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रेट जो है वो मिल जाएगा, और प्रॉफिट तो आप सोच ही सकते हो कितना अच्छा खासा आप कमा सकते हो।
तो यही बात है कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी से जुड़ोगे तो आपको जो है मुनाफा ही होने वाला है। तो फैक्ट्री से खरीदने का ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि अगर आप मीडिएटर्स को हटा दोगे तो फायदा आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर बल्क में यानी कि होलसेल में खरीदी करते हो तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस में फायदे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही अगर बात करें तो यहाँ से आपको जो है फायदे बहुत सारे होने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो हर नए डिजाइन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक क्वांटिटी कलेक्शन आपको यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल जाती है। जब भी यहाँ पर विजिट करोगे 365 डेज आपको यहाँ पर एक क्वांटिटी में हर तरीके के वुमेन्स वेयर के कलेक्शन में बहुत सारी वैरायटीज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मतलब न्यू डिजाइन तो हो गए, फिर आता है कि जो क्वालिटी है वो आपको 100% बेस्ट मिलती है। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी वाले कलेक्शन भी बहुत जगह पर मिलते हैं, पर यहाँ पर क्या है ना, हम देते हैं आपको वीडियो कॉल की फैसिलिटी और लाइव विजिट भी आप करना चाहो मोस्ट वेलकम। पहली प्रायोरिटी यही रखिए कि लाइव विजिट करके आप परचेसिंग कर सको। विजिट करोगे तो आपको जो है प्रॉपर एक नॉलेज भी मिलेगा, कपड़ों को आप छू पाओगे और पता चलेगा कि किस तरीके के कपड़े जो है आप यहाँ से खरीद सकते हो और किस तरीके की वैरायटी आप यहाँ से खरीद कर लेकर जा रहे हो। क्योंकि होता है ना, हम किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उसका व्यवहार भी जानना बहुत जरूरी है। नो डाउट हमारे पास क्वांटिटी कलेक्शन एनी टाइम आपको देखने के लिए मिलेंगे, और क्वालिटी कलेक्शन की बात करें तो इशिता हाउस जो है वो क्वालिटी किंग के नाम से जाना जाता है। फिर आता है प्राइस रेंज, तो हम आपको मैन्युफैक्चर रेट से जो है हर तरीके के आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर से खरीदते हो तो जो बीच में दो या तीन मीडिएटर्स होते हैं वो बिल्कुल भी आपको मतलब उसको जो है एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा मुनाफा जो है वो अच्छा खासा आप कमा सकते हो। और जो ट्रेंडी कपड़े हैं जो बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं, वही ट्रेंडी कपड़े आप खुद जो है वो सेल कर सकते हो। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़ा सा स्टोर होगा तो ही आप ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप जो है ये बिजनेस में आना चाहते हो तो 100% आपको टोटली कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। नॉलेज आपको इशिता हाउस जो है वो दे देगा और घर बैठे आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हो गया क्वांटिटी क्वालिटी की बात की और रेट्स की बात की। हमने आपको बताया कि रेट्स भी यहाँ पर आपको फैक्ट्री रेट में हम हर तरीके के आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और बाकी अगर बात करें तो सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, चाहे कपड़ों का हो या कोई भी बिजनेस हो, अगर सर्विस अच्छे तरीके से आपको मिलेगी तो 100% जो है आपके कस्टमर्स भी आपके पास वापस आएंगे। वैसे ही हमारे कस्टमर्स जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था और आज बड़े बड़े ब्रांड स्टोर्स ले करके वो लोग बैठे हुए हैं। तो आज अगर वो इतना अच्छा खासा मुकाम पर बैठे हुए हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ से इशिता हाउस से उनको सर्विस डेफिनेटली अच्छी मिलती है। यहाँ से आपको जो है हर तरीके से कपड़ों का नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप यहाँ से जो भी क्वांटिटी कलेक्शन लेकर के जाते हो वो आपको बल्क में यानी कि सेट वाइज ही मिलता है और होलसेल में ही आपको यहाँ से परचेसिंग करनी रहती है। तो अगर आप यहां से जितनी क्वांटिटी में कलेक्शन लेकर के जाना चाहो, वुमेन्स वेयर के जिस तरीके के कलेक्शन चाहिए आपको एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। तो ये इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। एक ही जगह पर अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, अच्छी क्वांटिटी मिलती है और अच्छी सर्विस मिलती है, तो और कोई चीज आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कैसे जुड़ सकते हो ये भी बता देती हूं। तो अगर आप भी इशिता हाउस के साथ जुड़ना चाहते हो तो ऑनलाइन यानी कि जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारी टीम एग्जीक्यूटिव के है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो। जो भी जानकारी चाहिए आपको पूरी जानकारी ऑन कॉल मिल जाएगी। और अगर आप यहां पर विजिट करके परचेसिंग करना चाहो मोस्ट वेलकम। सूरत गुजरात में इशिता हाउस लोकेटेड है। पूरा एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर रखा है, तो आप यहां पर विजिट करके भी परचेसिंग कर सकते हो। मैंने जैसे बताया पहली प्रायोरिटी देखिएगा कि एक बार विजिट कर सको, क्योंकि एक बार यहां पर आने के बाद आपको दूसरी बार आने की जरूरत नहीं है। हमारी बैकएंड टीम जो है वो आपके साथ कंटिन्यू कॉन्टेक्ट में रहते हैं। जिस तरीके के भी नए अपडेट्स आते हैं, नए कलेक्शन आते हैं, उसके अपडेट्स आपको देते रहेंगे, ताकि अगर आप घर बैठे भी ऑर्डर करना चाहो तो आप कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से आपको सर्विस 100% इशिता हाउस में मिलने वाली है। और डिलीवरी की बात करें तो यहाँ से जो भी वैरायटी आप परचेस करोगे यहाँ पर इन हाउस भी, अगर आप यहाँ पर विजिट करके परचेसिंग करोगे तो भी, या फिर आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ोगे तो भी, आपको विद इन 7 डेज में जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सारे कलेक्शन आपके डोर स्टेप तक मिल जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी भी डील करते हैं और वर्ल्ड वाइड बाय शिपिंग भी आप यहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी की कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट करके भी हमारे साथ जुड़ सकते
सकते हो। और साथ ही में जो है हमारे टीम एग्जीक्यूटिव के नंबर्स हमने दे रखे हैं, तो वहां पर भी आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। वेल, छोटे सी वीडियो में आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने दी है और आपको अच्छी लगी है, तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कलेक्शंस के साथ या फिर ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।